क्या आपके पास ही 500 रुपए का नोट छुपता है? अगर है तो मुझे दे दो, मैं आपका यूएसए का 6 ईयर का वर्क वीजा लगा कर दूंगा, जिसमें आप 3 साल के बाद वहां पर ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और ये वीजा इतना आसान है, जहां पर ना तो आपको इंग्लिश टेस्ट चाहिए, ना कोई एज लिमिट है, ना कोई पॉइंट बेस्ड सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया यूके की तरफ, और ये आपको 6 साल का मिलता है, और 3 साल के बाद आप यहाँ की नागरिकता अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो वीजा कॉस्ट है मात्र $10, जो कि इंडिया में 500 रुपए के बराबर है। और ये जुलाई 2024 में ये फिर से खुलने जा रहा है, और इसके लिए आपको कोई फंड्स नहीं चाहिए। ये कैसा मात्र वीजा है, जहाँ पर 85,000 वर्क वीजा है, जबकि यूके का लॉटरी वर्क वीजा सब 3,000 सीट्स थी। चलिए आज वेलकम करते हैं ग्रीन मार्क के बच्चों को। पर गाइस, अगर आपके दिल में मेरे जगह नहीं है, आप अपने कदम मुझे जम जगह दे सकते हो, बिकॉज मैं एक यूट्यूब बनी आपकी ताकत बनकर आपको देश में भेजना चाहता हूँ। तो जो आदमी वीडियो को लाइक और कमेंट करेगा वो डेफिनेटली मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया जाएगा। अभी एक सब्सक्राइबर मेरे साथ यूरोप लग्जमबर्ग और फ्रांसीनी अफ्रीका होकर आया, अब आपकी टर्न है। प्लस मैं आईफोन 15 प्रो मैक्स दे रहा हूँ, चाहे मेरे साथ 5 फोन है, तो एक कमेंट आपको एक एंट्री देगा। वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन, मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी में दिल से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज H1B वीजा, व्हाट इज अ वीजा कैप, व्हाट इज अ सैलरी यू कैन अर्न ऑन दिस वीजा, व्हाट आर रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंट्स, व्हाट इज अ वीजा कॉस्ट, हाउ टू इंक्रीज योर सिलेक्शन चांसेस इन अ लॉटरी वीजा, इज योर फैमिली मेंबर्स कैन अलाउड विद यू और नॉट, एंड हाउ यू कैन डू इलेक्ट्रो रजिस्ट्रेशन एंड द एंड इज अ कंक्लूजन। जो H1B वीजा है, जहाँ पर आपके एम्प्लॉयर को अलाउ किया जाता है वो आपको काम के लिए यूएसए बुला सकता है बगैर कोई कॉस्ट पे किए किसी भी थर्ड पार्टी को। इसमें आपको फिर में 3 साल का मिलता है और 3 साल एक्सटेंड हो जाता है। एम्प्लॉयर ढूंढने के लिए आपको यूएसए की सारी वेबसाइट दिखाई जा रही है, आप उनका स्क्रीनशॉट प्लीज ले सकते हैं। इसके लिए चाहिए आपको CV और कवरेट, जो मुझसे अच्छा कोई नहीं बनाता है, और उसके लिए आपको मेरे तीनों व्हाट्सअप दिख रहे हैं। मेरी मात्र कॉस्ट 5,000 है और मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर सिर्फ बात करनी है मेरे से, उसकी कॉस्ट 1,000 रुपया है। CV कवरेट बनवा कर आपको इन वेबसाइट लोड करना है। आपको टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनी दिखाई जा रही, आप यहाँ पर जा सकते हैं। क्योंकि वीजा H1 वीजा है, वो वीजा मेनली होता है आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, एजुकेशन में, मैथ्स में, बिजनेस में, फिजिकल साइंस में, अकाउंटेंट, लॉ, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इसके लिए आपको टॉप 10 इंजीनियरिंग कंपनी दिखाई जा रही, यूएसए टॉप 10 IT दिखाई जा रही, टॉप 10 केयर टेकर होम दिखाई जा रहे हैं, टॉप 10 सुपरमार्केट दिखाई जा रही है, टॉप 10 हॉस्पिटल्स दिखाए जा रहे हैं, टॉप 10 होटल्स दिखाए जा रहे हैं, आपको टॉप 10 इंडियन रेस्टोरेंट्स भी दिखाए जा रहे हैं। वहाँ पर अगर इनके पास स्पॉन्सर है तो गाइस सोच क्या रहे हैं, आपने इन स्किल्स अप्लाई करना है। जो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो मात्र $10 है। तो ये H1 वीजा आपको 3 साल आप इसके नागरिकता अप्लाई कर लेते हैं। अगर वीजा कैप की बात करें, यहाँ पर टोटल सी स्क्रीन पर दिखाई 85,000 है, जहाँ पर 20,000 सीट्स उनको मिलती है जो बच्चे ऑलरेडी यूएसए मास्टर्स कर रहे होते हैं। बाकी 8,200 मिलती है इंडियन, पाकिस्तानी और अदर नेशनलिटी पूरे वर्ल्ड के लिए, जिनको वर्क वीजा मिलता है लॉटरी से उनका नाम पिक किया जाता है। 6,800 सीट बनी हुई है चिली एंड सिंगापुर कंट्री के लिए, और इसमें जो आपकी एवरेज सैलरी है, आप 1.5 लाख यूएसए से लेकर 2 लाख यूएसए डॉलर सालाना कमा सकते हैं। मतलब कि आपकी एवरेज सैलरी यहाँ पर 2 करोड़ है, पर इसके लिए आपके पास 500 नोट छुट्टा होना चाहिए और आपको स्मार्टली एक्ट करना है। अगर आप एक एम्प्लॉयर ढूंढते तो आपकी एक एंट्री, अगर 5 एम्प्लॉयर ढूंढ लें तो आपकी 5 एंट्री इसके अंदर पड़ेगी, और ये मल्टी एंट्री वीजा आप कभी भी आ जा सकते हैं। पर इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है रजिस्ट्रेशन डेट। रजिस्ट्रेशन डेट जो खुली थी 2024 में, वो 28 फरवरी को खुली थी। अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, आपको USCIS जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आपका US इमिग्रेशन एंड US सिटीजन एंड वीजा सर्विस आप अकाउंट क्रिएट करना है। वो 28 फरवरी को बोला था, और 14 मार्च 6 को आप रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई थी आफ्टरनून टाइम, और मार्च 25 को बंद हो गई थी, और 31 मार्च को USA नोटिफाइड कर दिया था जो लोग सिलेक्ट हुए थे। और सिलेक्ट कैसे करते हैं, सबमिटेड आएगा बताने फॉर्म सबमिट कर दिया, सिलेक्ट मतलब आप सिलेक्ट हो गए, नॉट सिलेक्ट मतलब आप सिलेक्ट नहीं है, डिनाइड मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म डिनाइड हो गया। अगर इनवैलिड पेमेंट आ रहा है, आपने पेमेंट सही से नहीं की, और 1 अप्रैल को आपको 90 डेज दिए जाते हैं, आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो जुलाई 2024 में ये एक बार फिर से खुलने जा रहा है। अगर आप सोच क्या रही है इनकी डेट्स है, अगर आपको अकाउंट खोलना नहीं आ रहा है, इसके लिए YouTube वीडियो बने हुए हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाया भी जा रहा है। ये YouTube चैनल USCIS ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट फॉर लीगल रिप्रेजेंट, आप देख सकते हैं कि किस तरह आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। अब डिस्कस करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपका एम्प्लॉयर फिल करेगा, स्क्रीन पर प्रोडक्शन में दिखाया जा रहा है I-129 जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है USCIS का, जहाँ पर आप नाम, कंपनी अपना नाम डालेगी, अपनी डिटेल डालेगी, वो आपको क्यों ले रही है वो डालना होता है। ये फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको क्या जो वीजा फीस है, जो कि $10 होती है, फिर फॉर्म G-128 होता है। अगर आप किसी लॉयर को रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हो, फिर प्रूफ ऑफ एजुकेशन, आपका पासपोर्ट, आपका साइन कॉन्ट्रैक्ट विद एम्प्लॉयर के साथ,
कंपनी की रिसेंट टैक्स रिटर्न यूएसए वालों की और रिपोर्ट लगी वेजेस उन्होंने कंपनी में कब पे किए थे उस कंपनी की और मिनिमम 50 पिक्चर्स लगे बिजनेस की जहां पर फॉरेन वर्कर को काम दिया गया है। तो ये फॉर्म करने के बाद जब ऐसे फॉर्म फिल कर दोगे आपको विद इन वन वीक ये वीजा लगकर आपके हाथ में आ जाता है। तो ये तो कि डॉक्यूमेंट की लिस्ट कौन कौन डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ कितने लोगों को सेलेक्ट किया है 2024 में रिसेंटली 480,000 लोगों ने अप्लाई किया था। एलिजिबल होते 470,000 में कुछ लोगों ने पेमेंट नहीं की होगी या इनमें तक 423,000 लोग एलिजिबल थे जिन्होंने फॉर्म को सही भरा था और 47,314 जो इलेक्शन बेनिफिट मल्टीप्लिकेशन थे जिन्होंने मल्टीप्लिकेशन किया था और 120,603 को सेलेक्ट कर लिया गया था। मतलब 120,000 जिसे सेलेक्ट करते हैं कुछ बच्चे क्या करते हैं बाद विड्रॉ कर लेते हैं। मतलब कि रफली 120,000 के करीब आप लोग को ईमेल्स आती हैं जिनको माते वीजा 500 मिल जाता है। अगर आपको कोई नहीं बात करनी है मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है आप ओनली वन कॉल पे मैंने बहुत लोगों को आप उसके दिखा रहे हैं यूके का लॉटरी वीजा लग का आदर दिया है यूएसए का दिखाया जा रहा है। अब आपकी टर्न है 1,000 पे कीजिए मुझसे बात कर सकते हैं नहीं तो आप मेरी इंस्टा वाली गैरी के फैन पर आकर फ्री ऑफ कॉस्ट सीवी दे सकते हैं और मेरे पेज गैरी कुमार 8 स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वहां पर आकर आप मुझसे फ्री आईफोन और मैकबुक और सेलेक्टर ले सकते हैं। पर इसके अलावा मेरे सेकंड गैरी टीवी यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है जहाँ पर यूके दे रहा है 2 साल का लॉटरी वर्क वीजा। तो सोच क्या रहे हैं बिंदास होकर आइए यूके के चैनल पर और यूके का लॉटरी वीजा अप्लाई कीजिए और यूएसए के और दोनों में ना तो आईलेट्स देना है और दोनों में यूके में तो आपको जॉब भी नहीं चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए और तो सबसे आसान वीजा है। बट ऑन द मीन टाइम अब जा रहे सदा खुश रहें।